गाइस, आप सब तो जानते होंगे कि पेटीएम जो है वह बैन हो चुका है। और गाइस, पेटीएम के बैन होने के कारण जो है वह काफ़ी ऐसे यूजर, यूपीआई यूजर हैं, वह परेशान हो चुके हैं और किधर पेमेंट की ओर, मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक की ओर बढ़ चुका है। पर एक खुशखबरी है कि अब जो जियो, अगर आपके पास जियो सिम है या ना है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा कि जियो पेमेंट बैंक जो है वह अब अपने मोबाइल से अपने घर में आसानी से ओपन कर सकोगे। और गाइस, ये जो है वह एयरटेल पेमेंट बैंक से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये जो है वह SMS चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं काटता, सब कुछ फ्री है। और एक बात और है कि आप आसानी से अपने घर में मोबाइल से ही ओपन करोगे। और एयरटेल की पेमेंट बैंक खुलवाने के लिए आपको CSC मतलब सेंटर को ज्वाइन करना होगा, मतलब एजेंट के थ्रू ही ओपन होगा। पर यह जो है वह घर बैठे इसे हम खुद से अपने मोबाइल लोगे। तो चलिए बिना देर के गाइस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करेंगे से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को एक सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपके फ़ोन में जो है वह जियो नंबर हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आनी है और यहाँ से माई जियो ऐप जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर लेनी है। और गाइस, इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करनी होगी। अगर आपके पास जियो नंबर है तो जियो नंबर से लॉगिन कीजिएगा या अदर नंबर से भी लॉगिन कर लीजिएगा। अगर जैसे लॉगिन करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिख जाएगा ऊपर ही बैंक का ऑप्शन। तो क्या करना है, उस बैंक वाला ऑप्शन पे क्लिक करनी है। और गाइस, जैसे आप बैंक पे क्लिक करते हो तो यहाँ देख सकते हैं मेरा कुछ ऐसा ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। मेरा पहले से ही वैलेट जो है वह चालू है। और अगर आप में नहीं होगा तो यहाँ आप, अगर आप पहले से भी मतलब यूज कर रहे होंगे माई जियो का, तो यहाँ आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके आनी है और यहाँ देख सकते हो अपग्रेड टू सेविंग अकाउंट का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करनी है। या तो अगर पहली बार आप ओपन करेंगे तो यहाँ से सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। सेम प्रोसेस वही होता है आगे, बस यहाँ फर्स्ट में क्लिक करनी है। और जैसे गाइस स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं वेलकम, मतलब यहाँ ओपन होना शुरू हो चुका है। उसके बाद गाइस यहाँ से क्या होगा, आपका 2 स्टेप वेरीफिकेशन के लिए आपका फ़ोन नंबर मांगा जाएगा और ईमेल आईडी, वो दोनों को जो है फिलअप कर दीजिएगा और प्रोसेड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे प्रोसेड पे क्लिक कीजिएगा आपके नंबर पे जो है OTP भेज दिया जाएगा और ये ऑटो रीड कर लेगा। उसके बाद आपके जीमेल पे भी एक OTP भेजा जाएगा, तो OTP भी यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा एंड वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देनी है। अगर जैसे वेरीफाई प्रोसीड पे क्लिक करते हो फिर से आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन को देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करके आनी है और यहाँ एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट ये टर्म एंड कंडीशन है, इसे एक्सेप्ट करनी है। और जैसे एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ से देख सकते हो, ये देखो मैंने जैसे बोला कि ये जीरो पेमेंट है। मतलब एयरटेल में क्या होता है कि आप जैसे ओपन करोगे तो कुछ ना कुछ जो है वह आपको बैलेंस देनी पड़ती है, मतलब अकाउंट खुलवाने के लिए। और ये पूरा का पूरा जो है वह जीरो पेमेंट बैंक, मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब 0 रुपये से ही आप खाता खोल लीजिएगा। तो यहाँ आपको सबसे नीचे दिख जाएगा प्रोसीड का, तो सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। और जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पेन नंबर और आधार कार्ड का नंबर ये दोनों फिलअप कर लीजिएगा। और ये देख सकते हो ये बॉक्स जो है उसे टिक आउट होनी चाहिए एंड जनरेट OTP के पे क्लिक कीजिएगा। और गाइस, जैसे जनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो भी आधार कार्ड का में लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा और OTP यहाँ को आप फिल कर लीजिएगा और ऑटो फिल यहाँ से हो जाएगा। जैसे ऑटो फिल कीजिएगा तो यहाँ आधार कार्ड का डिटेल तुरंत यहाँ आपको दिखने को मिल जाएगा। और यहाँ आपको नीचे दिख जाएगा एक एड्रेस डिटेल। तो गाइस, अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ टिक आउट करिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ से आप अभी जो एड्रेस है वो डाल लीजिएगा एंड प्रोसीड पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। और गाइस, जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दिख जाएगा लेट्स वेरीफाइड योर आइडेंटिटी, यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली गेट स्टार्ट नीचे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करनी है। और गाइस, जैसे यहाँ ये इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं एक सेल्फी आपको लेने की ज़रूरत होगी, तो यहाँ से सिंपली क्लिक कीजिएगा सेल्फी के लिए। तो प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे आपको क्लिक करके आपको एक सेल्फी यहाँ से ले लेनी है। और यहाँ अपलोड, यहाँ जब सेल्फी हो जाएगी तो यहाँ आपके पास यहाँ देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज भी यहाँ आ जाएगा, मतलब ये सेल्फी अपलोड हो चुकी है। अब गाइज, अब यहाँ जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ से आपको देख सकते हैं कुछ ऐसा नया पेज खुलेगा जिसमें से आपको मेरिड स्टेटस आएगा। तो आप मेरिड है या अनमेरिड है तो यहाँ से फिलअप कीजिएगा। और फादर का नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और मदर का भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वही जो पैन कार्ड में आपका है वही, वो आपको फिलअप करनी है और प्रोसीड पे क्लिक करनी है। और जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो फिर से आपके पास कुछ नया पेज ओपन होकर आएगा जिसमें ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। तो आप क्या हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हो सेल्फ एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, अदर है, फार्मर है, बहुत सारे कैटेगरी है। तो अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिएगा या अन्यथा कुछ और आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ सोर्स ऑफ इनकम है, सेलेक्ट करके अपना
जो होगा वो आप डाल लीजिएगा, एनुअल इनकम भी डाल लीजिएगा। और यहाँ बॉक्स जो दिख रहा है इस बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ सिंपली क्या करना है आपको प्रोसीड पे क्लिक करनी है। और गाइस जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ऐड आर नॉमिनी नेम, मतलब यहाँ नॉमिनी नेम ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप, मैं बता दूँ आपको, ऐड नॉमिनी नेम में क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा अपना नॉमिनी नेम। तो मैं फिलहाल इसे बाद में ऐड करूँगा इसलिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ। तो नीचे वाला ऑप्शन के क्लिक करता हूँ, स्किप कर देता हूँ। एंड जैसे स्किप करते हो तो आपके पास पूरा प्रोसेस जो भी है, आप जितने भी फिलअप किए हो फॉर्म, वो सारा का सारा यहाँ ओपन होकर आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कहीं गलती होगा तो उसे एडिट कर लीजिएगा। अगर सब का सब सही है तो यहाँ सबमिट दिख रहा है तो सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। और गाइस जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो, अब एजेंट के थ्रू वीडियो कॉल होगी, मतलब वेरिफिकेशन होगा वीडियो कॉल पर। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका जो फ्रंट कैमरा होनी चाहिए और यहाँ वीडियो कॉलिंग होनी चाहिए, जैसे वीडियो कॉलिंग हम बात करते हैं वैसी होनी चाहिए। और आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड का ओरिजिनल होनी चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड। उसके लिए क्या करेंगे, जब भी वीडियो कॉलिंग होगी तो यहाँ से केवाईसी होगा, तो आपका नाम डिटेल वगैरह पूछा जाएगा। और आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिए फ्रंट वाले ये कैमरा जो होती है, ये कैमरा से ओपन करके ऐसे करके आपको दिखा देनी है ताकि वो वेरीफाई हो जाए। और गाइस जब इतना कुछ करेंगे तो यहाँ से आपको क्या करनी, फिर से यहाँ दिख रहा है नाउ और एक है लेटर, तो यहाँ नाउ पे क्लिक करेंगे वीडियो कॉलिंग के लिए। और यहाँ देख सकते हैं ग्रांट एक्सेस, मतलब यहाँ जो भी एक्सेस आपको मांगा जाएगा तो उस पर ओके कर देनी है। अगर जैसे ओके करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं ये जो है लुकिंग एन एजेंट को ढूंढ रहा है एक। उसके बाद यहाँ देख सकते हो आपका नंबर यहाँ देखने को मिल जाएगा और यहाँ आपको टाइम भी देखने को मिल जाएगा। गाइस ये किसी और का मैं स्क्रीन शॉट लगाया क्योंकि मेरे पास जो है वह आधार कार्ड का जो OTP गया है उस जो नंबर चालू नहीं है। तो यहाँ से आपको एक नंबर मिल जाएगा और तब तक यहाँ आपको यहाँ जैसे 30 मिनट दिख रहा है, तो यहाँ 30 मिनट तक आपको वेट करनी होगी। तब तक आपको जो है वह कनेक्शन भी मतलब चालू रहनी है, 30 मिनट तक वेट करनी होगी। एंड गाइस जब इतना कुछ करोगे तो क्या होगा कि आपका जो है वह वेरिफिकेशन है, देख सकते हैं यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगी। मतलब क्या, इतना देर तक आप जब करोगे तो आपका 5 से 10 मिनट में आसानी से ओपन हो जाएगी। उसके बाद गाइस आप अनलिमिटेड जो है वह उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। गाइज वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।